आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच। ये इतना टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार होता है कि एक बार आपने बनाया तो आपके घर वाले इसकी बार बार डिमांड करेंगे। बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले इसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इस्तेमाल किया है और साथ ही मैंने आधा छोटा चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डाला है। ये दोनों मसाले जब अच्छे से सिक जाएं तो इसमें हमने प्याज शामिल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज को चॉप कर लिया था, आप चाहें तो प्याज को स्लाइसेस में भी कट करके यूज़ कर सकते हैं। और अब हम प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो ये लीजिए, प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें बॉयल्ड आलू डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बॉयल्ड आलू लिए हैं, उनको बॉयल करके ठंडा करने के बाद मैश कर लिया था। आलूओं को प्याज के साथ शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हमने इसको मिक्स करना है, उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। जब हम इस वेजिटेबल सैंडविच को इन प्याज़ों के साथ बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। और अगर कच्चा प्याज इस्तेमाल करेंगे उसका एकदम अलग टेस्ट आता है। तो अब हमने एक बोल में इन दोनों चीज़ों को शामिल कर लिया है और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। आधी छोटी चम्मच नमक भी शामिल कर देना है और एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर देना है। बस इसमें और कुछ भी मिक्स नहीं करना है, इन सब चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको ये मसाला बहुत ही सिंपल लग रहा होगा लेकिन खाने में ये मसाला बहुत ही टेस्टी है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो ये सैंडविच आप बहुत ही जल्दी कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा आलू का मसाला रेडी हो चुका है, हमने स्पाइसेस को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने एक बोल ले लेना है और उसमें आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर देनी है और साथ ही मैंने आधा कप बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। टमाटरों के मैंने बीज हटा लिए थे। इन सब्जियों में भी थोड़ी सी हमने नमक और काली मिर्च शामिल करनी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स शामिल किया है। अभी इसमें हमने नमक शामिल नहीं करना, बस ये 2 मसाले शामिल करके इनको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो शिमला मिर्च और टमाटर के साथ बारीक कटा हुआ प्याज भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, ये मसाला अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, इसमें अब हम सैंडविच बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। मैं यहाँ पर वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो होल व्हीट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ब्रेड पर सबसे पहले हमने भरकर मेयोनीज लगा लेनी है। और अब हमने इसमें आलू का मसाला रख लेना है। तो हमने अच्छे से आलू का मसाला इस पे शामिल करना है। आलू का मसाला डालने में कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि इस सैंडविच में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये आलू हैं और ये सैंडविच में बहुत ही कमाल का लगता है। तो अच्छे से स्प्रेड कर लेना है हमने। अब हमने दूसरी ब्रेड को ले लेना है, इस पे मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, आप चाहें तो इस पे टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। आप सेम इसी तरीके से ये सैंडविच एक बार बना कर देखिएगा, आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए, अब हम इस ब्रेड पर बटर लगा लेते हैं। बटर को आप 1.5 घंटा पहले ही फ्रिज से निकाल कर रख लीजिए ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए
और अब मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ जो कि मैंने पहले ही ग्रेट करके रख ली थी वो इसमें शामिल कर देनी है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों को कद्दूकश करके इसमें शामिल कर सकते हैं, या अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हैं तो वो भी आप इस पे लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे हमने जो टमाटर और शिमला मिर्च कट करके रखे थे वो इसमें लगा देना है और इसके ऊपर चुटकी भर नमक डाल देंगे। नमक का इस्तेमाल हमने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इस ब्रेड पर भी हमने फिर से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो इस ब्रेड पे हरे धनिए की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये सैंडविच बनाने के लिए किसी तरह की भी सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो अब ये थर्ड ब्रेड को भी हमने सैंडविच के ऊपर इस तरह से रख लेना है और अब हम लास्ट में लगाएंगे दोबारा से इस ब्रेड पे बटर। तो ब्रेड की इस साइड पे हमने अच्छे से बटर लगा लेना है। अब इस सैंडविच को हमने टोस्ट कर लेना है। तो इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन को लो फ्लेम पे पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है और जिस साइड हमने बटर लगाया था वो साइड हमने नीचे रखनी है। हल्के हल्के इसको प्रेस करते जाएं ताकि ये एकदम से अच्छे से सिक जाए। तो अब हम ब्रेड की इस साइड पे भी अच्छे से बटर लगा लेते हैं। आप चाहें तो बटर की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सैंडविच हमारा दूसरी तरफ से अच्छे से सिक चुका है, तो चलिए अब हम इसको पलट लेते हैं। तो मैंने इसे लो फ्लेम पे ही सेका है और कितना ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुआ है और इस पे एक परफेक्ट गोल्डन कलर भी आ चुका है। इसी तरह से ही इसकी दूसरी साइड भी हमने क्रिस्पी होने तक सेक लेनी है। तो दूसरी साइड भी 2-3 मिनट के बाद हमने देख लेनी है। तो ये लीजिए हमारा सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार है। तो मैं यहाँ पे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी अंदर की फिलिंग बहुत ही गजब की लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।